जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर लगता है साहब कोई अपना कहीं हमसे रुस ना जाए। बहुत बढ़िया वीडियो बन जाता। बाबा साहब कौन गुण बन सकता है तू? काहे भोर बोल बनी बनाओ तो बोल सर तो बड़ा ही बढ़िया। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हम हैं अपने किचन में, हमारी बिटिया रुता हमारे साथ में। यहाँ पर देखिए हम चाय बना रहे हैं और चाय पी रहे हैं, उसके बाद में फिर हम आप लोगों को पूरे दिन का अपडेट दिखाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 27 में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई साहब चाय पीते हैं, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। चाय हमारा हो गया। मेरी बिटिया अरे पाप ही बैठो न, तो गिर जाओ नीचे। यार देखो यार ऊपर वो बेटा। तो काफी समय हो चुका है और हम 2 दिन गए थे मॉर्निंग वॉक पर, उसके बाद में आज 2 दिन गुजर चुका है हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए हैं। क्या करें भाई, सुबह उठते हैं उसके बाद में फिर कहीं लेट हो जाता है तो कहीं टाइमली से उठ जाते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा नमाज करना होता है तो फिर वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, इसीलिए नहीं जा पाते। यानी मॉर्निंग वॉक पर जाना कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, तो वो 1.5 से 2 घंटा हमारे पास रहेगा तो हम अपना वीडियो एडिट कर लेंगे, उसके बाद में अपलोड कर लेंगे। तो ये सारी कहानी होती है। तो यहाँ पर हमने चाय पिया है और एक रील वीडियो बनाया है, उसके बाद में अब चलते हैं नीचे और वीडियो एडिट करते हैं। वीडियो एडिट करने के बाद में अपलोड करते हैं, फिर यहाँ से हम 8 बजे निकलते हैं। और मौसम में काफ़ी चेंजिंग हो चुका है, देखिए शीत लहर जो है काफ़ी तेज पड़ रहा है। कृपया करके आप खुले आसमान के नीचे मत सोएं, तबीयत ख़राब हो सकती है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकती है, निमोनिया हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हैं भाई साहब। और ये सनराइज आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अगर आज हम मॉर्निंग वॉक पर गए होते तो मौसम साफ था भाई और बहुत खूबसूरत लगता आज आप लोगों को सनराइज दिखाने में। अफसोस कि मैं गया नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे अब हम। और ये बाकी हमारे गाँव का व्यू है, ये देखिए। और सबसे बढ़िया व्यू ये देखिए, चलते हैं हम। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर लगता है साहब कोई अपना कहीं हमसे रूठ ना जाए। इसका रील बनाया हूँ भाई, डायलॉग नहीं मारा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। फेसबुक पर नहीं अपलोड करते थे, वहां भी अपलोड करने लगे हैं। तो कुछ सवेरे सवेरे यह कुल किताब उठाई नहीं पढ़ पाओ तो रख मोबाइल, तुरे आदत खराब हो गई मोबाइल चला लगे। हाँ बाप, बहुत मार पड़ी रुस्ता। तो दोस्तों आजकल हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, जाते हैं चले आते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे सुहेल भाई हैं, तो उनको मैं अपने गांव का जगह दिखा रहा हूं, व्यू दिखा रहा हूं कि मतलब हमारा गांव आप देख लीजिए कैसे है कैसे नहीं है। तो यहां पर एक रील वीडियो हमने शूट किया है, जो भाई भी वो देखिए वहाँ पर एडिट कर रहा है, उसको अभी हम अपलोड करेंगे। और अभी तो मतलब थोड़ा सा एक ही लोकेशन दिखाया, अभी आगे भी चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे। बाकी ये 2 लोग हमारे गांव में, ये हमारा लड़का है, मतलब चच्चा लगी था हम, और ये हमारा भाई है। तो सुहेल भाई गांव हमारा मतलब कैसे लग गया, अभी तो पूरा घूमे ना हो? अभी आधा ही घूमा भैया, लेकिन बहुत बढ़िया गाँव है, मजा आएगा घूम के। और जहाँ रहा था मतलब कहाँ? वो बेस्ट है, जंगल है पूरा, फॉरेस्ट है।
है कि नहीं, लेकिन बाकी बहुत बढ़िया गांव है। तो हम सोचे थे कि मतलब थोड़ा आगे चले तो आगे से मतलब दिखाई थी कि उधर मतलब नज़ारा कैसन है, कैसन लागत है कि नहीं। बाकी अगर वीडियो वाला काम कंप्लीट हो जाए तो चला जाए। बस एक तो गाना खाली लगा दे बस। मार दी तो इमरान घरे जा सो जाए तो कुछ नहीं बता के जाओ घरे तू और हम लोग जैसे बाहर तुम्हें ठीक है। यार देखो एक दिन जोगी बाबा होते हैं से बहुत जोरदार रूल हो तो बाहर बाबा हमें डंडा वंडवा दे देते और सफा उफा बांध देते बनाए थी सारे के यहाँ जोरदार वीडियो हम है कि ना। देखो बाबा कुछ बहुत बढ़िया वीडियो बन जाता है। हाँ दे बाबा। हाँ बाबा कहाँ रहा जिसको जरूरी है। हरैया ए अच्छा हरैया चंद्रसी पैदल जाबो पैदल हाँ वो तो है ही है कल खाखा जी पार्क रह रही पहुँच गयो तो पानी भर बना हुआ है ना ही नारा वाला नहीं है ना वहाँ पर। अच्छा अच्छा और पुला परी पच्चू वाला जो ना है यह बनवाई ना मातो लेकिन बाबा साथे कौन रूल बन सका था इतु काहे ने बहुत रूल बनी बनाओ तो बोल बना सके तो बनाई जी बढ़िया यार जोरदार देख ले तो एक तो रील वीडियो बनाओ सोची थे बाबा के साथ में है। तुमने स्टोरी कुछ है कौन वो है कौन वो बढ़िया वाला है तब तो ठीक है भाई नहीं तो बस ठीक है नहीं कि खाली ना है अभी कुली अगर अब अपना हम लटका लटका भी खूब बढ़िया से हां बन के संभाली आए बन करी बना जाते भाई सोच ली हम वो करे वाले में हां तो बाबा के साथ में है एक तो बहुत बढ़िया रील बनाए भाई आप लोग जाओ राइडर रूपी 47 और फेसबुक पर जाइए वहीद मंसूरी पर और इसको जरूर देखिएगा बाबा फक्कर दास गिरा मर रहे चंद्र थे। तो बाबा जाते यहाँ से और हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, मगरिब का टाइम भी हो चुका है तो घर द्वार सुहेल भाई का थोड़ा सा इधर उधर घुमा दें उसके बाद में फिर निकलते हैं ठीक है बाबा। हाँ निकले खा रहे बाबा भाई साहब कमाल कह दी थी और बाबा भी समझ लो कि एक्टर है एकदम जौन बात इनसे कहवावा गए वह बात ये कही थी और काफ़ी मनोरंजन आदमी है बढ़िया है एकदम से ठीक ठाक। तो अब चली से बाहर और सुहेल भाई का बैठा ही थे थोड़ा सा घुमा लेते थे तब तक मगरिब टाइम हो जाई फिर निकले से खड़े यहाँ से ठीक है बाबा ठीक है चलो। तो भाई साहब सुहेल को हमने अपने गांव का पूरा व्यू दिखा दिया है घुमा दिया है टहला दिया है और इन्होंने हमारे गांव की तारीफ भी की है कि हाँ यार बहुत अच्छा लोकेशन है बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं घर के लिए। तो शाम हो चुकी है और घर की तरफ चल रहे हैं। अब इसके आगे कुछ हम दिखा नहीं पाएंगे भाई तो जो कुछ था आज के वीडियो में वो हमने आप लोगों को दिखाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में तब तक के लिए बाय। और ये हमारे गाँव की बकरियाँ।